आज के इस वीडियो में समाकलन भाग चार के कुछ इस तरीके के प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग। दिया है इंटीग्रेशन ऑफ ई पी पावर एक्स प्लस टू साइन एक्स माइनस थ्री का सी एक्स डी एक्स। तो इसको हम कई टुकड़ों में, क्वेश्चन को एक ही में करके दिया तो हम लोग कई टुकड़ों में अलग अलग करके भी सॉल्व कर सकते हैं और एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्ट ई पी पावर एक्स का समाकलन का फार्मूला हमको याद है, ई पी पावर एक्स का समाकलन ई पी पावर एक्स होता है प्लस टू साइन एक्स, यानी टू ऐसे ही रहेगा और साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस कास एक्स, माइनस थ्री इंटू कास एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स, और जब समाकलन के सारे चिन्ह समाप्त हो जाएंगे तो लास्ट में प्लस सी जोड़ दिया जाएगा। इसको थोड़ा सा और हम अच्छे तरीके लिख दें, ई पी पावर एक्स प्लस और माइनस का गुणा माइनस होगा, माइनस टू कास एक्स माइनस थ्री साइन एक्स प्लस सी। और लेते हैं अगला क्वेश्चन आज का। अगला क्वेश्चन इस तरीके से है, वन प्लस एक्स का होल क्यूब अपॉन रूट में एक्स डी एक्स। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम पहले इसका फार्मूला ओपन कर देते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री इंटू ए इंटू बी ब्रैकेट में ए प्लस बी होल अपान हो जाएगा रूट में एक्स का, मतलब हुआ एक्स पे घात एक बटा दो, इंटीग्रेशन का चाहे साइन शुरुआत में और डी एक्स पीछे, ये लिखना कभी नहीं भूलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो वन अपान एक्स पे पावर वन अपान टू, अब इसे हम अलग अलग भी कर सकते हैं। अभी थ्री का एक्स में गुणा होगा फिर उसका एक में गुणा होगा, तो वो हम अगली लाइन में कर लेंगे। अब डायरेक्टली देखते हैं, एक बटे एक्स पे घात एक बटा दो, तो यानी हो जाएगा एक्स पे घात माइनस एक बटा दो, और एक्स क्यूब बटे एक्स पे घात आधा, यानी एक्स पे घात तीन है, तीन घात में से एक बटे दो घात कम हो जाएगा, यानी तीन में से आधा कम हो जाएगा तो ढाई बचेगा, यानी प्लस एक्स पे घात ढाई, ढाई का मतलब पाँच बटा दो। और यहाँ पर थ्री एक्स का जब वन में गुणा होगा तो हो जाएगा थ्री एक्स, और थ्री एक्स में से आधा घात कम हो जाएगा तो बचेगा थ्री एक्स पे घात एक बटा दो, और थ्री एक्स का एक्स एक्स में गुणा होगा तो हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, यानी एक्स पे घात दो, तो दो घात में से ये आधा घात कम हो जाएगा, डेढ़ घात बचेगा, यानी हो जाएगा थ्री एक्स पे घात तीन बटा दो, ब्रैकेट बंद और डी एक्स। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से। इसका समाकलन एक्स पे घात माइनस हाफ प्लस वन बाई माइनस हाफ प्लस वन प्लस एक्स पे घात पाँच बटा दो प्लस वन बाई पाँच बटा दो प्लस वन प्लस तीन गुणे एक्स पे घात एक बटा दो प्लस वन होल अपान एक बटा दो प्लस वन प्लस तीन गुणे एक्स पे घात तीन बटा दो प्लस वन बटे तीन बटा दो प्लस वन। इन सबको हम जोड़ करके लिखेंगे, कैलकुलेशन थोड़ा सा मज़ा आ रहा है करने में। तो एक से आधा कम हो जाएगा तो आधा ही बचेगा, एक में से आधा कम हो जाएगा तो आधा ही बचेगा, एक बटे दो का मतलब आधा होता है, तो आधा घटाने और जोड़ने का कुछ अलग ही अंदाज होता है। एक में से आधा कम हो जाएगा तो एक्स पे घात बचेगा आधा, और एक में से आधा कम हो जाएगा तो आएगा आधा, यानी बटे दो, एक्स बटे एक बटे दो तो बटे दो आ जाएगा शुरुआत में, प्लस यहाँ पर देख लें पाँच बटे दो में एक जोड़ देंगे, ढाई में एक जोड़ेंगे साढ़े तीन होगा, यानी सात बटा दो होगा, एक्स पे घात कितना सात बटा दो, और ये सात बटा दो जब उल्टा होगा तो जाएगा दो बटा सात, प्लस यहाँ देखते हैं आधा में एक जोड़ेगा तो डेढ़ होगा, नीचे भी डेढ़ होगा, यानी तीन बटे दो को हम दो बटा तीन लिखेंगे तो तीन तीन कट जाएगा, ऐसे हो जाएगा तीन गुणे दो बटा तीन इंटू एक्स पे घात तीन बटा दो, प्लस यहाँ देख लेते हैं डेढ़ में एक जुड़ेगा तो ढाई होगा, यानी पाँच बटा दो होगा, तो यहाँ भी हो जाएगा तीन गुणे पाँच बटा दो को हम दो बटा पाँच लिखते हैं इंटू एक्स पे घात पाँच बटा दो प्लस सी, यहाँ पर भी हमको सी लिखना था।
बस अब 3 से 3 काट दिया जाएगा, 3 का 2 में गुणा कर दिया जाएगा, बस बाकी शुरू से लेकर लास्ट तक वही लिखना है। इसका आंसर होगा दो एक्स में घात 1/2 प्लस 2/7 एक्स में घात 7/2 प्लस 3 3 कट गया है 2x^3/2 प्लस 3 × 6/5, 6/5 एक्स में घात है 5/2 प्लस सी, ये हुआ इसका आंसर। ये सवाल थोड़ा बेस्ट था। अब तक जितने भी समाकलन के क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं उन सभी क्वेश्चन से थोड़ा सा ये अच्छा लगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने में 2-4 लाइनें लग गई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब इसे देखिए, यहाँ तो दिमाग नहीं काम कर रहा है कि कैसे लगेगा, इन सबका सूत्र एक साथ उपलब्ध भी नहीं है, तो इसको हम सबसे पहले सरलतम रूप में व्यक्त कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स में प्लस ए जोड़ देंगे और माइनस ए घटा देंगे। किसी भी संख्या में हम किसी भी चीज़ को जोड़ घटा करके एडजस्ट कर सकते हैं, तो ए प्लस एक्स डी एक्स। अब हम एक्स प्लस ए बटे एक्स प्लस ए को एक किनारे कर देंगे, ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस ए बाई एक्स प्लस ए डी एक्स इधर, और माइनस ए बटा इन दोनों को अलग, माइनस ए बटा एक्स प्लस ए को अलग लिख दिया हमने। तो अब यहाँ देखें, इससे ये कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, तो बचेगा 1 dx, और 1 dx का समाकलन मैंने अपने पहले वीडियो में ही बता दिया है। और यहाँ पर ए तो हो गया गुणांक, और 1/x प्लस ए इंटू डी एक्स, 1 dx का समाकलन होता है x। इस चीज़ को मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। माइनस ए इंटू 1/x प्लस ए, यानी 1/ कुछ भी रहे तो उसका समाकलन होगा लॉग करके होता है, यानी 1/x प्लस ए का समाकलन हो जाएगा लॉग एक्स प्लस ए प्लस सी, ये हुआ इसका आंसर। ये भी क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही मज़ेदार है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो काफ़ी छोटी है, इस वीडियो में मैंने बहुत कम क्वेश्चन बताए हैं, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार।